नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राजतिलक में चार धमाकेदार खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात बर्बाद हुए गहलोत की करेंगे, फिर दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेसी दिल्ली जाकर आपस में भिड़ गए हैं। उसके बाद सामने आए धमाकेदार सर्वे को दिखाएंगे, जिसे देख राहुल गांधी भी बेहोश हो गए हैं। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। लिया एक्शन। खबरों की शुरुआत कांग्रेस को लगे झटके के साथ। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह बर्बाद हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक नेता कांग्रेस को बेनकाब कर पीएम मोदी का हाथ पकड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले खंडेलवाल के अलावा पार्टी के दिग्गज नेता चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद और पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के ठीक पहले इन नेताओं के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की नीतियों से उसके ही नेता परेशान हो गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। इससे पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि खंडेलवाल को किशन पोल से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। खंडेलवाल जयपुर में कांग्रेस के लिए एक प्रमुख महिला चेहरा थी और सचिन पायलट खेमे में थी। खंडेलवाल को किशन पोल से कांग्रेस के टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन एक वक्त पर पायलट का भी खेल बिगड़ गया और कांग्रेस का भी। जिस तरीके से कांग्रेस में भागदौड़ मच रही है, उससे तो कांग्रेस की हालत साफ दिखाई दे रही है और अब तो सर्वे भी सही होते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बेसुध हालत पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोग देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री के बयानों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनकी सरकार विफल हो गई है। उन्होंने ईडी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे उनकी घबराहट पता चलती है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राहुल सोनिया खड़गे पर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है और आलाकमान उनके मुद्दों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कांग्रेस में भेदभाव चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे तो कांग्रेस की उल्टी गिनती साफ दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले भी गहलोत की कुर्सी हिल सकती है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस नेता आपस में ही मारपीट करते हुए दिल्ली पहुंच गए। दरअसल कामन विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बवाल मच गया है। इस सीट से विधायक जाहिदा खान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनके विरोधी नहीं चाहते कि अब की बार उन्हें मौका मिले। ऐसे में जाहिदा खान के विरोधी और समर्थकों ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जाकर बवाल किया और वहां आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात तो ये रही कि टकराव को देखते हुए मुख्यालय के अंदर के पार्क में रस्सी लगाकर दोनों गुटों को दो भागों में बांट दिया गया। हालांकि कार्यकर्ता इतने ज्यादा आक्रामक थे कि अर्धसैनिक बल के जवानों को भी बीच में आना पड़ा। कांग्रेसियों के दिल्ली में इस बवाल को देखकर राहुल सोनिया गांधी भी सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि नेता तो नेता, कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान के एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जाहिदा खान के टिकट का विरोध करने वाले लोगों ने उन पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाया। वहीं मंत्री के समर्थक विरोध करने वालों को भाजपाई बता रहे हैं।
समर्थकों का कहना है कि ये लोग बीजेपी के इशारे पर जाहिदा का विरोध करने आए हैं। आपस में ही कांग्रेसी नेता एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। हैरानी की तो बात यह है कि कांग्रेस में अगर कोई विरोध होता है या किसी का कुछ नुकसान होता है तो ये लोग सारा ठिकरा बीजेपी के सिर फोड़ने की बात करते हैं। अब पार्टी के नेता टिकट मिलने वाली विधायक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका ठिकरा भी बीजेपी के सिर फोड़ा जा रहा है, जैसे बीजेपी ने ही कांग्रेसियों को टिकट फाइनल किया हो। कोई भी राहुल, सोनिया या खड़गे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, बस दिल्ली में पहुंचकर बवाल किया जा रहा है। और इस बवाल का खामियाजा कांग्रेस को चुनावों में उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई इस बार बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में अपने ही नेताओं से है। तो जाहिर सी बात है कि नैया डूबना तो लाजमी है। अगली खबर बीजेपी की धमाकेदार एंट्री पर। चुनावी तारीख नजदीक आते ही एक और धमाकेदार सर्वे भी आ गया है। इस सर्वे ने तो कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं, जबकि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस सर्वे में प्रदेश की सभी जातियों को लेकर भी सर्वे किया गया है, जिसमें मीणा, राजपूत, जाट, बनिया और ओबीसी बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं सर्वे में कांग्रेस को माली, भील, गुज्जर और जाटों वोटर्स का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 200 सीटों में 125 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस 72 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस बहुमत से 23 सीटें दूर दिख रही है, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई। सर्वे में राजपूत, बनिया, अग्रवाल, जाट, मीणा और अन्य ओबीसी आबादी बीजेपी के साथ नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस का ओबीसी कार्ड यहाँ भी फेल हो गया। कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन कांग्रेस से इरादों पर ओबीसी समुदाय ने पानी फेर दिया है। आखिरी खबर कांग्रेसियों की नोट वाली पॉलिटिक्स पर। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच ईडी और इनकम टैक्स के छापे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनका रोते हुए एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो नौटंकी दिखाते हुए ना सिर्फ लोगों से वोट मांग रहे थे बल्कि बीजेपी पर निशाना भी साध रहे थे। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उससे पहले हुडला का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो हुडला की हवा टाइट हो गई। दरअसल रिटर्निंग अधिकारी ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस प्रत्याशी से जवाब मांगा। दरअसल दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से विधायक ओम प्रकाश हुडला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद वो प्रचार में जुट गए थे। प्रचार के पहले दिन उन्होंने पानी लेकर जा रही एक महिला की मटकी के ऊपर नोट रखा और उसके बाद भरी हुई मटकी को शुभ संकेत मानते हुए परंपरा का हवाला दिया। विधायक ओम प्रकाश हुडला का इसके बाद एक और वीडियो फिर से सामने आ गया, जब एक लड़की अपने सिर पर स्टील के बर्तन में पानी लेकर जा रही थी तो कांग्रेस प्रत्याशी ने उसको भी 500 रुपए दिए। इतना ही नहीं, विधायक ओम प्रकाश हुडला की ओर से एक महिला सफाई कर्मी को पैसे देने और उसके चरण स्पर्श करने का वीडियो भी सामने आ रहा है। राजस्थान चुनाव के बीच विधायक ओम प्रकाश हुडला की ओर से पैसे देने के 3 वीडियो सामने आए। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की विरोधियों ने सोशल मीडिया के जरिए आपत्ति जताई और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है, जिसके बाद महुआ के रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला को नोटिस देकर जवाब मांगा है, जिससे हुडला बुरी तरह से फंस गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ओपी हुडला के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की थी, क्योंकि उनका नाम पेपर लीक घोटाले से जुड़ा था। ईडी के एक्शन के बाद तो हुडला फूट फूट कर रोने लगे और अब लोगों को पैसे बांटने पर फिर से फंस गए हैं। स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।